हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, दमन मूवी का मैंने रिव्यू किया और आप लोगों की तरफ से जो रिस्पांस मिला, यार सच में यार, मतलब आप लोगों ने दिल जीत लिया और उन सब लोगों को दिल से थैंक यू जिन लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट दिखाया, शेयर किया, उन लोगों को भी थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दमन मूवी के जो डायरेक्टर है देवी प्रसाद लंका, उनके तरफ से एक अच्छा सा अपडेट आया है, वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ओडिया की तरफ से दमन ये एक फर्स्ट ऐसी मूवी थी जो बहुत बड़े स्केल पे हिट हो रही है और माउथ टू माउथ जो रिस्पॉन्स है इस मूवी को वो काफी तगड़ा मिल रहा है। यानी यूट्यूबर की तरफ से बोलिए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की तरफ से बोलिए, इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि इसका कंटेंट वैसा है, इसके कंटेंट में इतना दम है कि इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ये मूवी का, वो ये था कि ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन अभी वो चीज भी दूर हो गई है। तो मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद ने बोला है अभी कि इस मूवी को हम हिंदी में डब करने वाले हैं और इसका जो डबिंग है वो आई थिंक संकेत करने वाले हैं। संकेत एक डबिंग आर्टिस्ट है और इन्होंने इससे पहले भी डेडपूल 1 में भी अपना जो वॉइस है वो दिया था और बहुत ही अच्छे वॉइस आर्टिस्ट है। तो मैं तो रियली हैप्पी हूँ कि दमन मूवी को फाइनली एक अच्छा सा वॉइस आर्टिस्ट मिल गया है और इसी के साथ में दमन जो है अभी हिंदी रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। यानी कि जैसे ही जो वॉइस का काम है वो ख़त्म होगा, ये हिंदी रिलीज होगी और आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी और मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको जितनी स्क्रीन्स मिले उतना ऑडियंस का वापस से प्यार भी मिले। यानी जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो थोड़ा सा वेट कर लो, ये हिंदी में भी आने वाली है, आप लोग तभी भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोगों से वेट नहीं होता तो अभी भी आप जाके देख सकते हो, आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ में ये मूवी मिल जाएगी। और भाई साहब, एक ही बात बोलूँगा, तगड़ा माल है, ज़रूर देखना, हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ऐसी मूवीज बार बार नहीं बनती है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ओडियाई मूवी, तो प्लीज। और हाँ, ओडियाई या ओडियन या फिर ओडिशा जो भी है, जो बोलने में अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत गलत होता है तो प्लीज़ संभाल लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये तो अपडेट था दमन मूवी को लेके, अगर इसके बाद में कोई और अपडेट्स भी आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू। और हाँ, सपोर्ट दिखाते रहो।